बैतूल के किदवई वार्ड में 3 साल के बच्चे की नाली में बहने से मौत हो गई। तेज बारिश की वजह से बच्चा नाली में बह गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि दोपहर के समय शहर में मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान घर के बाहर खेल रहे 3 साल के आमिर का पैर फिसलने की वजह से वो नाली में गिर गया। तेज बहाव के कारण बच्चा नाले में बह गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नगरपालिका और एसडीआरएफ की टीम ने भी रेस्क्यू शुरू किया। बच्चे की तलाश के लिए जेसीबी मशीन से नाली को भी तोड़ा गया। बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को बच्चा उसके घर से के करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर मिला। बच्चे के परिजन इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। तेज वर्षा हुई और उसमें 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो ये फुटपाथ पे से कहीं इसका पैर स्लिप हुआ और वो सीधे नाली में गिरा और वहाँ से वो बह गया नाली में। तो वो एक आगे साबुद्दीन नाला है, वहाँ से ये अपने बस स्टैंड के पीछे वाले वहाँ पे एक जाली लगी हुई है, वहाँ जाके फंसा। लगातार प्रयास किया गया, परंतु हमारे बीच में कुछ लोग उसको फिर आगे नाले में कंपनी लागत के पास वो बच्चा मिला, जिसे जिला अस्पताल में लेके आए हुए थे। यहाँ पर चिकित्सकों के द्वारा पर्याप्त प्रयास किया गया पर बच्चा को बचा नहीं पाए हैं। उसका अब कायम कर दिया है।